सो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50,000 रुपीज। अगर आपका बजट 50,000 रुपए का, आपको बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना है अभी के अंदर, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तो आप अभी अपना बेस्ट स्मार्टफोन खरीद पाओगे 50,000 रुपए के अंदर। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन बाय करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे देता हूं, आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए और बाय कर लीजिए, मजे करिए यार। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को यूज कीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई चैनल में नया आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन दबाइए, वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए यार, इसलिए मैं डेली एक्साइटिंग वीडियो बनाता हूँ। तो अब बात करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50,000 रुपीज में। जो सबसे पहला स्मार्टफोन मेरे नजर में आता है वो आता है मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है, जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा कवर किया हूँ, ये है OnePlus 8T 50,000 रुपीज के अंदर। इसकी जो प्राइस है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज की, 46,000 रुपीज में आपको स्मार्टफोन इंडिया में मिल जाएगा। इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले मिलेगी, फ्लैट डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले के साथ। डिस्प्ले का डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत कमाल का डिज़ाइन यहाँ पर डिस्प्ले में मिल जाता है OnePlus 8T में। कैमरा भी इसका तगड़ा है, बैक साइड में आपको क्वाइड कैमरा मिलता है, 48 MP का आपको क्वाइड कैमरा सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट में सेल्फीस लेने के लिए यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी शूटर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्रोसेसर की बात करूँ, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 865 मिलता है, फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है, तो प्रोसेसर में भी कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड्रॉयड 11 मिलता है ऑक्सन ओएस 11 के साथ, साथ में इसमें बैटरी बहुत कमाल की, क्योंकि यहाँ पर को 4500 mAh बैटरी मिलती है और 65W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो अब जस्ट 37 मिनट के अंदर 0 to 100% स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हो, तो ऑलराउंड ये स्मार्टफोन पैकेज है 50,000 रुपये के अंदर। सबसे नंबर वन पे मैं स्मार्टफोन को रखूँगा, तो आप में से किसी को भी स्मार्टफोन का मजा लें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करो और बाय करो और मजे करो यार। सो गाइस बात करते अगले स्मार्टफोन की। अगला स्मार्टफोन मेरे नज़र में आ रहा है सैमसंग के तरफ से, क्योंकि आप सब लोग का बहुत कॉमेंट आता है यार, इमरान भाई इतने पैसे दे रहे, कुछ तो ब्रांड की वैल्यू रखे, सैमसंग जैसा कोई स्मार्टफोन बताओ यार 50,000 रुपये दे रहे। तो आप सबके लिए सैमसंग का भी एक स्मार्टफोन है अंडर 50,000 रुपीज़ के अंदर, ये है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन ये स्मार्टफोन है, इसकी प्राइस इंडिया में 50,000 रुपीज़ और कभी कभार सेल में ये 45,000 रुपीज़ में ही मिल जाता है। तो आप लिंक जरूर चेकआउट करना है स्मार्टफोन के लिए, तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 8GB की रैम मिलती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलॉइड 120Hz रिफ्रेश टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। डिस्प्ले फ्लैट डिज़ाइन मिलता है और डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया मिलता है, क्योंकि सैमसंग का स्मार्टफोन तो आप सबको पता है डिस्प्ले बहुत कमाल करने वाला है। यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले के अंदर 32 MP का सेल्फी शूटर मिलता है, बैक साइड में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा, 12 MP के दो कैमरास मिलेगा और 8 MP का आपको सिंगल कैमरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैमरा मेगापिक्सल कम है लेकिन आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ट्रस्ट मी इसके कैमरा आउटपुट बहुत अच्छा है, क्योंकि सैमसंग अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने कैमरास को। तो मेगापिक्सल में मत जाओ, अगर आपको कैमरा की हाई लेवल क्वालिटी है तो S20 FE आपके लिए बना हुआ है। बात करें आगे, इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है सैमसंग का Exynos 990 मिलता है, तो यहाँ पर पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है अच्छा खासा, ये साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको स्मार्टफोन में मिल जाता है, 4500 mAh बैटरी मिलती है, यहाँ पर आपको 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। ऑल राउंडर पैकेज, अगर आपको सैमसंग का ब्रांडिंग का ऑल राउंडर बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए 50,000 के अंदर, तो ये स्मार्टफोन भी आपके लिए। डिस्क्रिप्शन का लिंक चेकआउट करो, हो सकता है कोई अच्छा खासा ऑफर मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक करो। सो गाइस बात करते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन की। अगला स्मार्टफोन आता है OnePlus की तरफ से, क्योंकि आप सब लोग मुझे बोलते हैं यार इमरान भाई 50,000 रुपये खर्चा करें तो कुछ प्रीमियमनेस दो यार, कर्व डिस्प्ले दो, कर्व डिस्प्ले बहुत लोग के प्योरिटी होते हैं। तो यहाँ पर OnePlus 8 ले रहे हो आप लोग, अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले का डिज़ाइन बहुत कमाल चाहिए, तो OnePlus 8 आपके लिए हो सकता है। ये आपको 45,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ टॉप वेरियंट। इसमें आपको 6.55 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, एमोलॉइड डिस्प्ले है, 90Hz रिफ्रेश टेक्नोलॉजी है, प्लस यहाँ पर आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले भी मिल जाता है और कर्व डिस्प्ले मेन, तो यहाँ पर कर्व डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले पकड़ोगे तो फोन को बहुत मजा आएगा। उसी तरह बात करो इससे कैमरे की, यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर आपको 48 MP का आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा और फ्रंट में यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी शूटर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल जाएगा, फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, 4300 mAh बैटरी मिल जाएगी, 30W फास्ट चार्जिंग के साथ और एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट स्मार्टफोन में मिल जाएगा। ऑलराउंडर स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, आपके इसके बेस वेरियंट्स भी देख सकते हो, अगर आपको पैसे और बचाने हैं तो 40,000 का वेरियंट भी 6GB रैम के साथ, तो उसके नीचे भी आप देख सकते हो, मैं आपको लिंक सारे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करो और चेकआउट करो एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी क्या चल रही है। लेकिन आपको 45,000 रुपीज़ में इसका टॉप वेरियंट मिल जाएगा, 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ।
और बात करते हैं हमारे आखिरी स्मार्टफोन की 50,000 के अंदर, वो आता है Xiaomi की तरफ से Xiaomi Mi 10T Pro। इसकी प्राइस इंडिया में बस 40,000 रुपीज़। इसमें आपको 8GB की रैम मिलेगी और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। स्मार्टफोन सबसे की हाईलाइट फीचर है, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा बैक साइड में मिलने वाला है। जी हाँ, 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलने वाला है बैक साइड में। ट्रिपल कैमरा के साथ स्मार्टफोन आपको आएगा। फ्रंट में यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा। 6.67 इंच की यहाँ पर आपको फुल एच डी डिस्प्ले मिलेगी। 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है यहाँ पर। जी हाँ, 144 हर्ट्ज की यहाँ पर रिफ्रेश टेक्नोलॉजी मिलती है। सबसे ज़्यादा रिफ्रेश रेट यहाँ पर ही आपको मिलने वाले स्मार्टफोन के अंदर। बट यहाँ पर कमी एक ही है यार, यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, तो ये सबसे बड़ा डाउनग्रेड है स्मार्टफोन के अंदर। बात करूँ प्रोसेसर की, यहाँ पर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, Snapdragon 865 फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है। 5000mAh बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। ऑलराउंडर स्मार्टफोन ना पैकेज है, बस डिस्प्ले में कमी है, बाकी सब इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है Xiaomi ने। और इसकी प्राइस भी बहुत कम रखी है, 40,000 रुपीस में। अगर आपका बजट एकदम टाइट, आप पैसे बचाना चाहते हो और आपको डिस्प्ले से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रांड से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। Xiaomi का Mi 10T ऑलराउंड आपको बेस्ट स्मार्टफोन मिल जाएगा नंबर गेम के साथ, अगर आपको खेलना है तो। आप मुझे कमेंट में बताइए, इन चारों स्मार्टफोन में से सबसे टॉप वन स्मार्टफोन आपका क्या है। अगर मेरे से पूछते तो सबसे नंबर वन पे मेरा है OnePlus 8T। जी गाइस, मैं OnePlus 8T के साइड जाऊंगा सबसे पहले। आपके क्या पिक्स है मुझे कमेंट में बताइए। और आप सबको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन की प्राइस चेकआउट करनी है, फिर बाय करना है, तो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स दिए और डिटेल लिए, तो लिंक में क्लिक कीजिए और डायरेक्टली बाय कर लीजिए, परचेज कर लीजिए और एंजॉय कीजिए स्मार्टफोन को। और मुझे कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलना। साथ में कमेंट में मुझे बताइए आप सबके दिल में क्या चल रहा है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, 150 लाइक मांग रहा हूँ आज, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक होना चाहिए। और चैनल में नए आए तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाजू में बेल आइकन दबाना है, वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए। मेरा नाम इमरान है, आप देख रहे हैं टेकी इमरान। तो इससे साथ में फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।